गल करिए, तुसी एज ए काउंसलर भी कह लो कि पार्टी दे है, तां तुसी अगवाई भी कीती नाल जाके। तो जिहड़ी गल करिए जे कि तिरंगा यात्रा दे विच लोकां दा किदां संजोग रहा, तां किदां तुहानूं हंगारा मिलिया पार्टी नूं? जय हिंद जय भारत। अज दी जिहड़ी मुहिम तिरंगा पैदल यात्रा पैदल मार्च दा सीगा, उहदा बहुत ही वधिया रिस्पोंस मिलिया, बहुत वधिया हंगारा मिलिया। साडे MLA राणा गुरजीत सिंह दे रहनुमाई हेठ जिहड़ी ये यात्रा कढ़ी गई, इहदे विच सारे MC साहिबान ने, शहर वासियां ने, साडे जिहड़े यूथ है उन्होंने, वर्कर साहिबान, सारयां दा सहयोग सीगा और बहुत अच्छा सहयोग सी। सब ने बड़े उत्साह नाल इस यात्रा विच भाग लिता। मैडम, आने वाले टाइम ते भी कोई कह लो कि इधर कोई मुहिम होर भी छेड़ी जाऊंगी? सर एक्चुअली जेड़ा एक पर्टिकुलर डे हैगा वो तो आप सब सैलीब्रेट करते हैं एवरी ईयर, तो मेरे ख्याल नाल अगर एहोजियां मुहिम चलदियां रहन तो जिहड़े अपने यंगस्टर्स हैगे, जिहड़े बच्चे हुण नवीं जनरेशन है जिन्हां च हजे इन्हां चीज़ां की कमी है, तो जदों वो देखेंगे उन्हां लई भी एक अच्छा मैसेज है, तो एहोजियां मुहिम मेरे हिसाब नाल तां जरूर चलदियां रहनियां चाहीदियां। दीपक जी, आप जो गल करिए तो अज जो कि कांग्रेस पार्टी वालों कह लो कि तिरंगा यात्रा कढ़ी गई है, तो ये चीज़ों लैके तुसी भी यात्रा की अगवाई की, तिरंगा यात्रा की अगवाई की है, कि मोटिव से जिन्होंने लैके यात्रा जी कढ़ी गई सी? उसला जी गल आ कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़ेंगू सिंह वालों, तो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों, ये पूरे हिंदुस्तान के एक मुहिम चली आ कि तिरंगा यात्रा कढ़ी जाए। ये जी यात्रा का मेन जरा मकसद आ, ये समर्पित आ उन्हां शहीदां जिन्होंने शहादत दे के हिंदुस्तान नूं आजाद करवाया। इस करके घर घर दे विच, जन जन दे विच, हिंदुस्तान की हर पब्लिक, हर लोगों के उत्साह आ कि 75वीं वरेगांठ जी ये शहीदां नूं समर्पित आ। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बलिदान दिते आ अपने देश नूं आजाद कराने वास्ते, और आने वाली जिहड़ी नवीं पीढ़ी आ उन्हूं जागृत करने वास्ते उन्हां दे विच इस चीज़ का प्रचार किया जाए कि साढ़े पंजाब दे लगभग 90% शहीदां ने शहादतां दे के हिंदुस्तान नूं याद कराया। और अज जिहड़ा ये प्रोग्राम उलीकिया गया, इहदी अगवाई राणा गुरजीत सिंह जी साढ़े MLA साहब ने की आ, और उहदे विच सारे ही साढ़े MC साहबान, पिंडा दे सरपंच साहबान, कौंसलर साहबान जिन्हें भी आ, सारे ने ही उहदे विच वध चढ़ के, वर्कर साहबान ने और शहर के वासियां ने इहदे विच योगदान पाया वा, और एक नवा उत्साह पूरे कपूरथला कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच एक जागिया वा, और इस गल का बहुत उत्साह वा, और 15 अगस्त मना जा रहे हैं, इस करके लोग बहुत खुश आ। मैडम, आप जो गल करिए कह लो कि अज पार्टी वालों तिरंगे यात्रा दे विच तुसी भी शामिल सी, तुसी भी देखिया होना कि कह लो कि तिरंगा जिहड़ी यात्रा कढ़ी तो जा रही है तिरंगे, पर कितने कितने कुछ लोगों वालों इस चीज़ नूं लैके भी तिरंगे का अपमान भी चीज़ें नज़र आऊंगे, चीज़ों सारे नूं किद्दां दिखदे? हाँ जी सर, ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली। जिहड़ा असीं अज ये यात्रा पैदल यात्रा कढ़ी है, इहदा मोटिव सिर्फ पैदल चलना या शो ऑफ करना या सिर्फ अपना वो टाइम सारना नहीं सीगा, ये दिखाना चाहते सी असी कि वी आर इंडियन एंड वी रिस्पैक्ट आर फ्लैग एंड रिस्पैक्ट आर कंट्री। ठीक है, हर एक दे हाथ च फ्लैग सीगे एंड ईच एंड एवरी परसन वॉज वेरी एंथूजियाजम विद द फ्रीडम डे। बट आई सुजेस्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फ्लैग नूं उस रैली तो बाद, उस मार्च तो बाद ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and